देवरिया के लाल ने 35 रुपए में 50 लाख रुपया जीत लिया है। हालांकि जिस दिन मैच था उस दिन हमारे मोबाइल में डाटा नहीं था, रिचार्ज नहीं था, दूसरे आदमी के मोबाइल से हम वाईफाई जब कहे होंगे कि आप एक नंबर पे हैं तो क्या कैसा लगा होगा? हमारा तो आवाजें नहीं निकल रहा था। अच्छा, होश तो उड़ गए थे हमारे जब देखे तो। अच्छा, मम्मी पापा क्या कर रहे थे? मम्मी पापा बहुत खुश हैं। और ये रातों रात 50 लाख यानी 70 लाख रुपया जीते, जिसमें से इनको 49 या 50 लाख रुपया मिला है। सोचने वाली बात है कि एक लड़का रातों रात लखपति हो जाता है। तो इनके घर पे गए, पता चला कि ये भिंगारी बाजार हैं, तो इनका नंबर लिया गया और इनसे फोन से संपर्क हुआ और यहाँ पे हम लोग आकर इनसे बातें कही कर रहे हैं। हर एक आदमी बधाई दे रहा है, गांव नगर अगल बगल पूरा आदमी बधाई दे रहा है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। देखिए, अब तो हम मैच नहीं लगाएंगे, लक से हम जीत गए हैं, हम जीतने का कोई चांस नहीं है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दें और ये क्रिकेट ड्रीम इलेवन पर ये कोई भी सट्टे पर ध्यान न दें। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के रघुनाथपुर इनका घर है। हालांकि बहुत ज़्यादा पर्चे हम इनसे बाद में लेंगे, लेकिन हम ये बता दें, हम लोग देवरिया से चलकर हमारी टीम टीवी समाचार की टीम इनके पास इसलिए आई है कि आज ये सोशल मीडिया पर चारों तरफ फेमस हो गए हैं। अब फेमस इस कदर हुए हैं कि रातों रात ये लखपति हो गए हैं, और छोटा मोटा लखपति नहीं बल्कि यूं कह लीजिए कि 50 लाख रातों रात कमा लिए हैं। भैया, ये सब कैसे हुआ? ये तो ड्रीम इलेवन पे हम गेम लगा रहे थे, वो वहीं से कमाए हैं। अच्छा, वहीं से लगाए हैं? ड्रीम इलेवन से कमा रहे थे, वहीं से लगाए हैं। बड़ा मन में खुशी है, मुस्कुरा रहे हैं एकदम से। खुशी तो है, लक से लग गया है। अच्छा, हाँ, सोचे थे कि ऐसा होगा हमारे साथ? हम तो कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। ऐसा अगर सोचे होते तो अपना डीपीओपी हर एक चीज हम चेंज कर दिए होते कि किसी को मालूम ना हो। हाँ, लेकिन हम सोचे नहीं थे। बताइए, अचानक लग गया है? अचानक से लग गया। क्या काम करते हैं हम? इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। बाहर में? बाहर में। अच्छा, मतलब अब क्या करना है, क्योंकि आप तो 50 लाख रुपए के मालिक हो गए। अब देखते हैं कि क्या करना है। अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। पहले से रहता तो आदमी प्लानिंग करता है कि हाँ ये करना है, वो करना है। एक बाई एक आया है तो आदमी कैसे आराम से प्लानिंग करेंगे क्या करना है? आराम से प्लानिंग किया जाएगा। एक बात बताइए कि ये कैसे, कब हुआ और किस दिन हुआ, और कितने रुपए का लगाए थे आप ड्रीम इलेवन पे? देखिए, 49 का गेम था। हाँ, लेकिन डिस्काउंट में हम 35 में लगाए थे। अच्छा, 35 रुपए में लगाए थे। 35 रुपए में लगाए थे। मतलब देखिए, देवरिया के लाल ने 35 रुपए में 50 लाख रुपया जीत लिया है। हालांकि 70 लाख रुपया जीते थे आप। हाँ, जिसमें से 21 लाख रुपया कटा है, 21 लाख रुपया कट गया है, जिसमें 49 लाख रुपया आपको मिला है प्रेजेंट में। हालांकि पैसा निकाल लिए हैं? पैसा तो हम निकाल लिए हैं। निकाल लिए हैं? हाँ। देखिए भैया, बहुत खुश लग रहे हैं। हालांकि खुशी किसके चेहरे पर ना होगी जब जीतेगा रातों रात और पूरे मालोमाल हो जाएगा पैसे से। हालांकि 50 लाख रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता भैया। अच्छा, हम सुने कि आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया था, आप लगा कर सो गए थे, कैसे क्या हुआ, थोड़ा कहानी बताइए। जिस दिन मैच था उस दिन हमारे मोबाइल में डाटा नहीं था, रिचार्ज नहीं था। हाँ, दूसरे आदमी के मोबाइल से हम वाईफाई कनेक्ट करके मैच लगाए थे। अच्छा, रात में फोन आया कि जैसे एक आप कर रहे हैं कि एक नंबर है, दोस्त लोग फोन करके बताए। अच्छा, तब हम अपने भाई से बोले रिचार्ज करने के लिए, तब उसका फोन आया भाई का। हाँ, भाई से बोले रिचार्ज करने के लिए, भाई रिचार्ज हमारा किया, तब हम चेक किए। अच्छा, मतलब मैच जब खत्म हो गया था उस टाइम आप एक नंबर पर थे? हाँ, हमको हम सो रहे थे। अच्छा, आपको कैसा लगा जब कहे होंगे कि आप एक नंबर पे हैं तो क्या कैसा लगा होगा? हमारा तो आवाजें नहीं निकल रहा था। अच्छा, बताइए, ये अगर शायद आप भी ड्रीम इलेवन खेलते होंगे तो शायद आपके भी अगर कोई, कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं एक नंबर पे जाते हैं, सीधे 500 नंबर पे चले आते हैं, लेकिन आप जीत जाने के बाद कोई कहता है फोन करके कि भाई साहब मैच हो गया है, आप देखिए एक नंबर पे हैं। अब इनको सन हो जाती है कि भाई हमारे में तो रिचार्ज नहीं है, भाई से रिचार्ज भरवाते हैं और चेक करते हैं तो वाकई में एक नंबर पे रहते हैं, और पूरे होश उड़ जाते हैं आपके। होश तो उड़ गए थे हमारे, है ना, जब देखे तो। अच्छा, मम्मी पापा क्या कर रहे थे? मम्मी पापा बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं, पूरे परिवार के आदमी, गांव के हर एक आदमी खुश है। हर एक आदमी खुश? हाँ, है। तो बाहर अब जाना है काम करने इलेक्ट्रीशियन का? हाँ, अब तो देखेंगे, यहीं पे कुछ करेंगे अपना। अब तो इतना रुपया तो जीवन भर नहीं कमा पाते आप। हाँ,
जी आधा भी नहीं कमाते कमा पाते पूरे की बात ही नहीं है, पूरे की बात ही नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि आधा भी नहीं कमाते पूरे की बात नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है 1,000 रुपये के लिए, 1,00,000 रुपये के लिए, और ये रातों रात 50 लाख यानी 70 लाख रुपया जीते, जिसमें से इनको 49 या 50 लाख रुपया मिला है। सोचने वाली बात है कि एक लड़का रातों रात लखपति हो जाता है, ये सिर्फ ड्रीम इलेवन का कमाल है। हालांकि ये पहले व्यक्ति नहीं है, ऐसे देश में हर रोज आए दिन बच्चे खेलते हैं और करोड़पति हो जाते हैं, लखपति हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को जब पता चला तो हम लोग कुछ दिन बाद इसलिए आए कि हर रोज कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग हम लोग करते ही रहते हैं, आपको दिखाते ही रहते हैं। लेकिन जब इनके घर पे हम लोग आए तो पता चला कि ये कहीं गए हैं। अब जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का क्या नाम है? भिंगारी बाजार है, भिंगारी बाजार, देवरिया के भिंगारी बाजार में है, और यहाँ से इनका घर 10-12 किलोमीटर दूरी पर है। पहले तो इनके घर पे गए, पता चला कि ये भिंगारी बाजार है, तो इनका नंबर लिया गया और इनसे फोन से संपर्क हुआ, और यहाँ पे हम लोग आकर इनसे बातें कही कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कि आप देवरिया के रहने वाले हैं और हम लोग भी देवरिया के रहने वाले हैं। रिश्तेदार वगैरह बधाई वधाई दिए कि नहीं? हर एक आदमी बधाई दे रहा है, गांव नगर अगल बगल पूरा आदमी बधाई दे रहा है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही है। तो आगे और मैच लगा रहे हैं कि नहीं? देखिए अब तो हम मैच नहीं लगाएंगे, लक से हम जीत गए हैं, अब जीतने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, एक बार और लक हो सकेला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सबसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दें, और ये क्रिकेट ड्रीम इलेवन पर ये कोई भी सट्टे पर ध्यान ना दें, ये बर्बाद कर देगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा। जो भी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दें। क्या पता उन लोगों का भी भाग्य साथ हो, अब मना कर दे पहले ही, अब वो भी क्या पता आपसे ज्यादा जीत जाए, आप ही इतना जीत जाए। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत नसीब की बात है, एक जीतेगा 100 बर्बाद हो जाएंगे। देखिए भाई साहब सही भी बात कर रहे थे, हम यही बात मैं आपसे कहने वाले थे कि ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग ड्रीम इलेवन पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आप पैसा बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि इनका लक बाय चांस था जीत गए। लेकिन ये किसी किसी का होता है, ड्रीम इलेवन बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा दिनों बाद इनको सुने कि हमारे देवरिया में कोई बच्चा 1,00,000 रुपया तक जीता है। हालांकि इतने बच्चे खेलते हैं आज तक हमें पता ही नहीं चला, और ना ही किसी चैनल पर चला था, लेकिन ये ऐसे जीते कि पूरे देश में इनका नाम हो गया, फेमस हो गए, हम भी आए इंटरव्यू लिए। अच्छा, जब मीडिया आती है पूछती है तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाते होंगे, भाई हमारे पास मीडिया आ रही है। भावुक तो हो जाते हैं भाई, भावुक हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। पहले कोई पूछता था नहीं था, अब इतना आदमी आ रहे हैं कि बहुत कुछ लगता है। अच्छा, नेता होता भी आपके दरवाजे पे आए थे? हाँ, विधायक आए थे सभा कुंवर जी और गिरीश चंद तिवारी जी आए थे। हाँ, जिला पंचायत सदस्य हैं जिला पंचायत। अच्छा, कुछ पैसा वैसा भी मांग रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आए थे बधाई देने के लिए। हाँ, बधाई देने के लिए आए थे। चलिए भाई साहब, मैं भी मजाक ही कर रहा था, पैसा नहीं। देखिए बड़े लोग आते हैं, जब ये भी बड़े हो गए, उनके लेवल के हो गए, तो ही मिलने आए। हालांकि वो लोग छोटे लोगों से कहाँ मिलते हैं, इसके पहले तो आपका हाल चाल भी नहीं पूछा करते होंगे। नहीं, वो हमारे पिताजी के मित्र हैं। अच्छा, मित्र भी है? मित्र हैं, विधायक जी सभा कुंवर जी, तो आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। इससे थोड़ा बहुत ये लगता है कि हाँ संपर्क पहले से ही। हाँ, संपर्क है पहले से, पहले से ही था। लेकिन सच्चाई ये है कि आप उस कैटेगरी के नहीं होंगे तो आपसे विधायक और सांसद कोई मिलने नहीं जाता होगा। लेकिन शायद ये जीत गए, इनकी पूरी चर्चाएं होने लगी पूरे देश में, और हम लोग भी चलकर इसी के चलते आए। देखिए टीवी समाचार ऐसे विभाग खबरों को दिखाता रहता है, हम लोग बहुत दूर से चलकर आए इनकी कवरेज सिर्फ करने के लिए, और हमारा कोई काम नहीं था, आपको ऐसे ही कवरेज दिखाते रहते हैं, गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों की मुद्दे उठाते रहते हैं। आप टीवी समाचार को अगर यूट्यूब पर या अदर सोशल साइट पर देखना है तो @TVSamachar लिखें, वहां से सर्च करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, साथ दें, समर्थन दें। तब तक ले लेते हैं आपसे अलविदा, खबरों से देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।